हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, फॉर्म एलिमेंट और प्लाज्मा। फॉर्म एलिमेंट 45% होता है और प्लाज्मा 55% होता है। फॉर्म एलिमेंट तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रम्बोसाइट। इरिथ्रोसाइट को RBC बोलते हैं, जिसकी लाइफ स्पेन 120 दिन होती है और इसका कंट्रीब्यूशन 5 मिलियन पर mm³ होता है। और इरिथ्रोसाइट में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि 12 से 16 ग्राम होता है पर 100 ml में। दूसरा होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट को WBC बोलते हैं, जिसका लाइफ स्पेन 120 दिन होता है, जिसका लाइफ स्पेन 1 वीक होता है और 6000 से 8000 पर mm³ पाया जाता है। और ये दो प्रकार का होता है, ग्रैनुलोसाइट और एग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट तीन प्रकार का होता है, इजनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। और एग्रैनुलोसाइट दो टाइप का होता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तीसरा होता है थ्रम्बोसाइट, जिसको कॉमन लैंग्वेज में प्लेटलेट्स कहते हैं, जिसका कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है पर mm³। और ये ब्लड में कॉगुलेशन करवाता है।